गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू क्लास का? हाउ आर यू चिल्ड्रंस? आज बहुत लंबे समय के बाद हमारी फिर से मुलाकात हो रही है और वो भी ऑनलाइन, है ना। फेस टू फेस हम क्लासरूम में नहीं मिल पा रहे और बच्चों अभी 31 जुलाई तक हम मिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको EBS पढ़ाऊंगी, मैं आपकी वंदना टीचर, मैं आपको EBS पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग सबसे पहले अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए, स्कूल आवर्स में आकर अपने पेरेंट्स को कहिए आके वो किताबें खरीद कर लेके चले जाएं। अपनी EBS की बुक है ग्रीन बर्ड, ये बुक अपनी EBS की है कि आप जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए और आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर वन फैमिली। देखो बच्चों, फैमिली शब्द से आपको पता है फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। फैमिली का मतलब परिवार। परिवार क्या होता है आपको पता है? परिवार क्या होता है बता सकता है कोई बच्चा? परिवार क्या होता है? परिवार, हाँ, परिवार ए ग्रुप ऑफ पीपल टू ईट, स्लीप, प्ले एंड स्टडी टुगेदर, इट इज कॉल्ड ए फैमिली। परिवार क्या होता है? जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, वो एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, सारे काम करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, है ना। वो क्या कहलाती है? फैमिली कहलाती है या परिवार कहलाती है। अब आपको पता है कि कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनमें केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, कुछ फैमिली बड़ी होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली लाइक न्यूक्लियर, ज्वाइंट एंड सिंगल पेरेंट्स। देखो फैमिली तीन प्रकार की होती है, जैसे कि बड़ी फैमिली, छोटी फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। तो पहले जैसे है ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, पहले ले लेते हैं वन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार। बच्चों न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं, इसको हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं, इसको हम स्मॉल फैमिली क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन्हीं न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली हैज ए मदर, ए फादर एंड वन और मोर चिल्ड्रन। द फैमिली मेंबर्स आर यूजुअली क्लोज एंड लुक आफ्टर ईच अदर, दे शेयर देयर जॉयज एंड कम्फर्ट्स टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, एक या दो या उससे भी जितने भी एक या दो होते हैं आजकल, तो एक या दो बच्चों के साथ माता पिता रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली संयुक्त को स्मॉल फैमिली कहलाती है। क्योंकि उसमें बस माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, तो छोटा परिवार होता है, स्मॉल फैमिली होती है वो, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपनी खुशी, अपने गम, दुख, दर्द सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मिलजुल कर खाते पीते हैं, साथ रहते हैं और सारे काम मिलजुल कर एक साथ करते हैं। इन्हीं स्मॉल फैमिली वन और बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग व्हाइल द चिल्ड्रन आर स्टडी। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? या तो माता पिता दोनों
जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर जाते हैं, किसी भी व्हीकल के द्वारा अगर पास में करें तो खुद से जाके फिर घर पे खुद से रहते हैं जब तक पेरेंट्स घर नहीं आ जाते। अपने घर में रहना उनको होता है पढ़ाई करनी होती है, और जब पेरेंट्स आ जाते हैं तब वो मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, साथ में मिलकर एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते हैं, बच्चे मम्मी पापा को बताते हैं हमने दिन घर में क्या किया, हमारे पेरेंट्स स्कूल में आज क्या हुआ, हमें क्या होमवर्क मिला, और फिर पिता माता के साथ वो अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना होमवर्क शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं। इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली में सभी मेंबर्स मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जिसे कि स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ गई वाली बात। अच्छा, ये जॉइंट फैमिली है, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो नेचुरली ये क्या होगी, बिग फैमिली भी होगी, बड़ी भी होगी, है ना, बिग फैमिली, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ए जॉइंट और बिग फैमिली हैज ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑल लिविंग टुगेदर इन सम जॉइंट फैमिली, अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन आल्सो लिव टुगेदर। देखो जॉइंट फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, चाचा चाची, उनके बच्चे, वो सब मिलजुल कर एक साथ एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं। तो क्या होगा जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो क्या उसी फैमिली हो जाएगी, ज्वाइंट फैमिली, बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए वो बिग फैमिली भी कह सकते हैं, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली या बिग फैमिली उसको कहेंगे, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन्स। अंकल और आंट, चाचा चाची के बच्चे वो क्या कहलाते हैं आपके, कजन्स, है ना, चाचा चाची के बच्चों को कजन्स कहते हैं। सी यू यू एस आई एन एस, कजन्स का मतलब चाचा चाची के बच्चे, चाचा या ताऊ जी, है ना। आपस में हंसते खेलते हैं, बोल व्यवहार करते हैं, दादा दादी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, दादा दादी के अनुभव उन बच्चों को देते हैं, इसलिए जॉइंट फैमिली अपने आप में बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है उनके विचारों में कभी कभी मतभेद भी हो सकता है, कभी चाचा ने आपसे कोई बात की तो हो सकता है आपको ना अच्छी लगे, या चाचा के और आपके बच्चों भाइयों के हो गए आप लोगों में थोड़ी बहुत मन मुटाव हो जाए, तो जॉइंट फैमिली में ऐसी बातें हो जाती हैं क्योंकि परिवार बड़ा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यंग चिल्ड्रन मस्ट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली टेल द चिल्ड्रन स्टोरीज एट नाइट एंड ऑल्सो लिसन टू देयर एक्सपीरियंस।
एडमिशन कराने के लिए हो सकता है कि गांव छोड़कर शहर से आना पड़ गया, या आपके पेरेंट्स की आपके फादर की जॉब शहर में रही तो आपको गांव छोड़कर शहर में नौकरी के सिलसिले में आना पड़ा, नौकरी की तलाश में आना पड़ा। तो इस तरह से उनकी जो फैमिली थी वो निकल के आ गई ज्वाइंट फैमिली में से, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। आप अपने पापा के साथ मम्मी के साथ शहर में आके स्कूल में पढ़ने लगे, या जॉब के कारण आपके पापा को कहीं और जाना पड़ा, तो वो क्या हुआ ज्वाइंट फैमिली में से निकल के न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली और उसी में से न्यूक्लियर फैमिली बन गई, क्योंकि वो गाँव में नौकरी की तलाश में या बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें गाँव छोड़कर ज्वाइंट फैमिली छोड़कर न्यूक्लियर फैमिली में आना पड़ा, है ना। अब एक और टाइप ऑफ फैमिली होती है जिसे बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली हम आपको कल पढ़ाएंगे, आज हमने जो आपको पढ़ाया है न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। आपको इन दोनों टाइप ऑफ फैमिलीज के बारे में घर पे पढ़ना है, जो मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया है इसके बारे में आपको पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है। पेज नंबर 3 फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, ये सब आप डिस्कस करें और कल पढ़ के आइए। और आज का आपका होमवर्क है करवाऊंगी, वर्ड मीनिंग करवाऊंगी, इसलिए जल्दी से जल्दी किताबें खरीद लो।